रायपुर में किसानों ने जोरदार हंगामा किया। पुलिस ने शहर के बाहर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोक दिया। ट्रैफिक का हवाला देते हुए किसानों की ट्रैक्टर रैली रोकी गई। हालांकि हंगामे के बाद पुलिस पैदल ही किसानों को आगे जाने की अनुमति दे दी। जानकारी के मुताबिक किसान एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों की इस रैली को पुलिस ने कमल विहार इलाके में ही रोक दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा। एमएसपी कानून की गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसान जो हैं राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करना चाह रहे थे और प्रदर्शन के लिए एक सभा और ट्रैक्टर रैली करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें राजधानी रायपुर के शहर के बाहर ही रोक दिया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें, ये बड़ी संख्या में किसान जो हैं शहर तक पहुँच चुके थे, लेकिन शहर के बाहर उन्हें रोक दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्हें क्यों रोका गया है, क्या कारण है, ये कारण जानने की हम कोशिश करेंगे। क्यों रोक दिया गया आप लोगों? पहले रोक दिए थे, अभी समझौता हो गया है, बस थोड़ी देर में रैली निकलने वाली। इस तरीके का समझौता हुआ है? देखिए, हमें ट्रैक्टर ट्रालियाँ अंदर लेकर के नहीं जा सकते बोले, तो हमने जितने भी हमारे ट्रैक्टर आए हैं वो ट्रैक्टर जाएगा, हम पदयात्रा करते हुए यहाँ से हम लोग बूढ़ा तालाब की ओर जाएंगे। बूढ़ा तालाब में क्या क्या कार्यक्रम है आप लोगों? बूढ़ा तालाब में हम बड़ी एक सभा करेंगे, उसके बाद वहाँ से जो डेलीगेशन है वो ज्ञापन। किस बात की सभा है, क्या क्यों आए हैं? हम जो तीन कृषि कानून तो रद्द करने की बात मोदी जी ने कह दी है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य की गारंटी कानून के बारे में कोई बात नहीं है। तो हम वो एक बहुत बड़ा हमारा एक मसला है जिसके हम चाहते हैं कि हमारा अभी इस सदन में उसकी चर्चा हो। आज सदन में चर्चा करने की मांग को लेकर देख सकते हैं कि रैली जो है अभी यहीं से बना दी गई है शहर के बाहर, और ये विशाल रैली के रूप में ये लोग यहां से निकल रहे हैं। इसके अलावा सभी राज्यों में कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था करो और एमएसपी पर खरीदी की गारंटी दो, जंगली जो उपज है उसको खरीदने की गारंटी यहाँ सर मांग रहे हैं। महिला पुरुष किसान इसमें बड़ी संख्या में शामिल है और करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी ये ट्रैक्टर रैली जो है वो इनकी यहीं रोक दी गई है। और हालांकि अब ये पैदल मार्च करेंगे और बूढ़ा तालाब जाएंगे और बूढ़ा तालाब जाकर अपनी मांगें मनवाएंगे। फिलहाल इनकी जो योजना है वो यही है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके पहले एक बड़ी सभा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आगेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट रायपुर।